डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल सिग्नलिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सेल को जो सिग्नल देते हैं वो सेल सिग्नलिंग होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिग्नलिंग क्यों जरूरी है और ये होती कैसे है, ये दो पॉइंट्स जरूरी हैं जो हम आज की वीडियो में बहुत अच्छे से जान लेंगे। तो सेल हमारा कितना सारा काम करती है, अपने आप को डिवाइड करती है, उसके बाद अगर एपोप्टेसिस करती है यानी कि अब खुद की डेथ भी करती है, सेल डेथ भी होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, काफी सारी चीजें हमारी सेल के अंदर चलती रहती हैं। तो ये क्या अपने आप से चलती रहती है कि जब मन करता है इनका तब इनको डिवाइड करना है, या जब मन करेगा तब ये ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन करेंगी? तो ऐसा नहीं होता है। इनके लिए भी एक पर्टिकुलर सिग्नल बनाया गया है, कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है जिसके बिहाफ पर ये काम करती हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो सिग्नलिंग के थ्रू हम पढ़ते हैं कि कब सेल डिवाइड करेगी, कब सेल एपोप्टोसिस में जाए, कब सेल ट्रांसक्रिप्शन करेगी। तो सेल सिग्नलिंग को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या होती है, एबिलिटी ऑफ सेल टू रिसीव सिग्नल, सिग्नल को रिसीव करें, फिर उस सिग्नल को रिसीव करने का प्रोसेस आउट करें और उसके बाद ये रेस्पॉन्स क्रिएट करें। तो इसी को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। और ये जो प्रॉपर्टी होती है हर तरह की सेल में प्रेजेंट होती है, इधर इट मे बी यूकैरियोटिक और इट मे बी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी हर तरह की सेल में सेल सिग्नलिंग होती है। तो अब सेल सिग्नलिंग होती कैसे है ये हम जान लेते हैं। तो सिग्नल पहुंचाने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। तो जो सिग्नल लेके लेकर आता है उसको हम सिग्नल मॉलिक्यूल कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, लिगेंड बोलते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोल देते हैं, लिगेंड बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स लिगेंड है। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है एक स्पेसिफिक तरह की सेल से निकलता है, और उस सेल को, जिस सेल से ये हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल निकलता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारी सेल है सिग्नलिंग सेल, इसमें से निकलेगा हमारा लिगेंड और वो लिगेंड जाकर बाइंड हो जाएगा हमारी दूसरी सेल पर। किस सेल पर बाइंड होगा, जिस सेल को उसे सिग्नल देना है कि अब तुम्हें ये काम करना है। वो काम कुछ भी हो सकता है, सेल डिवाइड का या सेल एपोप्टोसिस का कुछ भी काम हो सकता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, जिस सेल को ये हमें मैसेज पहुंचाना है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, टारगेटेड सेल बोलते हैं। अब उसके बाद ये होता कैसे, तो जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सॉरी सिग्नलिंग सेल एक मॉलिक्यूल रिलीज करती है जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, ये टारगेटेड सेल के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाती है। ये सेल यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर जो था ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी। अब ये रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो ये अपने सेल के अंदर वाले मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे ही रिसेप्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, देन ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, देन जो इसका मेन पर्पस है वो रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा। जो मेन हमारा, जिस चीज को हमें एक्टिवेट करना है जिसकी वजह से सेल डिवाइड होगी, तो वो जाकर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बेसिकली तीन प्रोसेस में होता है। पहला है क्या, रिसेप्शन यानी कि रिसेप्टर पे बाइंड होना, देन ट्रांसडक्शन जो भी हमारा सेकेंडरी चेंज हो रहा है यहाँ पर, देन उसके बाद रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। अब ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं तो क्या बोलते हैं, इनको हम सेकेंडरी मॉलिक्यूल बोलते हैं, या हम बोले सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। इनके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ये जो सेल सिग्नलिंग होती है ये मेजरली चार तरह की होती है। पहले हम बात करें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी कि वो सेल जो खुद ही सिग्नल रिलीज कर रही है, खुद ही के ही रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो रहा है और खुद ही के ही सेल को एक्टिवेट कर रही है, देन इट विल बी नोन एज ऑटोक्राइन। ए सेल टारगेट इटसेल्फ, इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। जो इम्यून सेल होती है हमारी वो एक्टिवेट हो जाती है एंटीजन के आते ही, तो ये हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है हमारा जक्स्टाक्राइन
इसमें क्या होता है, जो दो सेल होती है हमारी सिग्नलिंग सेल और टारगेटेड सेल, ये क्या होती है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, फिजिकल कांटेक्ट में आती है, देन उसके बाद सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये पहले सेल के बाहर जा रहा है और उसके बाद खुद ही के सेल पे अटैच हो रहा है। और भी हमारे जो सेल टाइप है उनमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सिग्नलिंग सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकल रहा है वो सेल के बाहर जाके टारगेट सेल पे जा रहा है। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, जक्स्टा में क्या होता है कि सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है, ये टारगेटेड सेल और सिग्नलिंग सेल के बीच में ही एक फिजिकल कांटेक्ट बना लेता है, उसके बाद एक गेट के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। इसका काफी अच्छा एग्जांपल है कैडरेन सिग्नलिंग जो होता है हमारा, जो कि कैप जंक्शन में होता है, सेल जंक्शन आपने अगर पढ़ा हो तो। उसके बाद है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है और जो टारगेट सेल होती है अपने बहुत पास पास में होती है, जिसकी वजह से जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी कि लिगेंड होता है वो बहुत आसानी से अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। तो ये होता है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा, तो वो हमारा पैराक्राइन सिग्नल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है जो एलर्जन रेस्पॉन्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं हम, वो भी पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही एग्जाम्पल है। देन उसके बाद है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है कि जो हमारा सिग्नलिंग सेल और टारगेटेड सेल होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो जो लिगेंड होता है सिग्नल मॉलिक्यूल होता है इसको टारगेट सेल पे जाने के लिए कुछ रेस्पॉन्स की सॉरी कुछ कैरियर की जरूरत होती है। तो क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तैरते तैरते ये टारगेट सेल पर जाकर बाइंड हो जाते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिग्नलिंग कैसे होती है। अभी जैसे मैंने बताया सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एंड द सिग्नल इज ट्रांसपोर्ट टू द टारगेटेड सेल एंड देन बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल बाय ए स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द टारगेटेड सेल, देन इट विल इनिशिएट ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड कंडक्ट रेस्पॉन्स। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते क्या है, तो ये हेटरोजीनस कंपाउंड होते हैं जो कि सिग्नलिंग सेल के थ्रू रिलीज आउट होते हैं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल नहीं है, सेल सिग्नलिंग सेल से रिलीज आउट होते हैं। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ओनली इन टारगेटेड मॉलिक्यूल। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे दो सेल हैं, एक सेल ये है दूसरा ये है और एक और तीसरी सेल है ये, तो ये सेल हमारी सिग्नलिंग सेल है, ये एक तरह की हमारी क्या बना रही है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना रही है। अब ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये स्पेसिफिक होती है हर तरह की रिसेप्टर के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में कि जो एंटीबॉडी होती है वो हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ऐसे ही इसमें होता है। जैसे हमारा एक ये इस सेल का रिसेप्टर है, इस सेल का रिसेप्टर कुछ ऐसा है ठीक है, और ये इस सेल का रिसेप्टर है, इस सेल का रिसेप्टर कुछ ऐसा है ठीक है। तो ये जो सेल है ये जो हमारी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये इसके लिए स्पेसिफिक है, तो ये इसी पर ही जाकर बाइंड करेगी, इस वाले सेल पर बाइंड नहीं करेगी। तो ये स्पेसिफिक होते हैं अपने रेस्पॉन्स और टारगेटेड सेल के लिए। अब जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, कि वो रिसेप्टर जो हमारी सेल सरफेस पर प्रेजेंट हो, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे हम सेल सरफेस रिसेप्टर। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिन पर जो रिसेप्टर होता है या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस तरीके से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों, इस तरह की रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोलते हैं। तो इन्हीं के बेस पर ही जो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे सेल सरफेस पर आकर बाइंड के जो रिसेप्टर होते हैं इन पे आकर बाइंड कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो या तो साइटोसोल के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करते हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जाकर बाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है, ये जो हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे कहाँ पर बाइंड करते हैं, सेल सरफेस पर आकर बाइंड करते हैं, लेकिन ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं ये हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर साइटोसोलिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं।
देन अभी जैसे मैंने बताया जो रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन या हम बोले ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी लिगेंड से जाकर बाइंड होता है। अब रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया साइटोसोल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर बोल देते हैं, या फिर हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। तो अब उसके बाद हम बात करें अगर सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए कोई भी हमारा लिगेंड इस सरफेस पर आके बाइंड हुआ, रिसेप्टर पर आकर बाइंड हुआ, तो ये रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हो गया। अब इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही क्या हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये फिर किसी और मॉलिक्यूल को जाकर एक्टिवेट करेंगे, तो फिर वो मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल को जाकर एक्टिवेट करते हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं जो रिसेप्टर के बाइंडिंग होने से एक्टिवेट हो जाते हैं, देन ये किसी और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंडरी सिग्नल मैसेंजर। सेकेंडरी है तो प्राइमरी यानी कि फर्स्ट मैसेंजर कौन होगा, ये जो हमारा सबसे पहले लिगेंड बाइंड हुआ ये हमारा फर्स्ट मैसेंजर होता है, देन जो हमारा बाइंड होने के बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है उसे हम सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि हम बाद में इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला है कैंप और कैल्शियम जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल भी है जैसे कि डैग जिसको हम डायसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं। कैंप को क्या बोलते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसे कि आप एटीपी पढ़ते हैं ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें तीन फॉस्फेट होते हैं इसमें एक होता है, तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। और भी काफी सारे एग्जांपल हैं हमारे सेकेंडरी मैसेंजर के, जैसे कि क्या है ये है हमारा सीजीएमपी यानी कि साइक्लिक ग्वानिन ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आयनिसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट यानी जिसको हम IP3 बोलते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ का तो मुझे हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो पे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें ऐसी और वीडियोस के साथ नोट्स जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं द बायोसाइंस अरीना के नाम से, वहां पर मेरा एक पेज स्पेसिफिक बना हुआ है।